नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। मैं आपको बताने वाला हूं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों धुरी विरोधी रहे राजनीति का, और दोनों मतलब कि नजर आए जमुई में। दोनों एनडीए गठबंधन में जो है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी जमुई से वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे। दोनों उसी मंच पर नजर आए। दोनों एक दूसरे को क्या कहें, आप ये वीडियो पूरा पूरा देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहे, ये वीडियो आप पूरा। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे देश के गौरव, हम सब के अभिमान, हम सब के स्वाभिमान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार राज्य के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी मौजूद, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री सुमित सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जमुई की लोकप्रिय विधायक और इस मंच की संचालनकर्ता मेरी बहन आदरणीय श्रेयसी सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी के तमाम सम्मानित जिला अध्यक्ष मौजूद यहां पर, हमारे गठबंधन के अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम प्रखंड के पदाधिकारी साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज हम सब के लिए और पूरे जमुई की जनता के लिए यह गर्व की बात है कि जब बिहार में हमारे प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी जमुई की धरती से करते हैं। एक बार जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आज एक तरफ जहां ये हम सब के लिए गर्व की भी बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक भावुक क्षण है, एक भावुक लम्हा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे उस वक्त मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे। उस वक्त वो भी मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा प्यार समेट कर प्रधानमंत्री जी के लिए वो समर्पित करें। आज जब मेरे पिता यहां पर मौजूद नहीं है, मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की 40 की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए। 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं और यह जरूरी भी है। साथियों, आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहां पर मौजूद हैं, जरूरी है राष्ट्रहित में मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, जरूरी है देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री हैं जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो सामर्थ्य है, जो दुनिया तो क्या, दुनिया के हर एक देश को हमारे सामने नतमस्तक करते हैं, हमारे सामने अभिमान, स्वाभिमान, गौरव से देखने के लिए मजबूर करते हैं। आज दुनिया में देश की लोकप्रियता बढ़ी है, भारत का नाम बढ़ा है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज हमारे देश के आर्थिक हालात सक्षम हुए हैं, समर्थ हुए हैं, ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन सी श्रेणी पे है अर्थव्यवस्था को लेकर, पर आज दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी ने बनाया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। आने वाले 5 सालों में
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने जा रहा है, तो ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अर्थशास्त्री इस बात को समझे, जबकि हकीकत है जब एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब आपके क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, हर गरीब परिवार के हाथों में ज्यादा कमाई आती है। ये मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर क्षेत्र हर वर्ग का ध्यान रखा। उज्ज्वला के माध्यम से हो, आयुष्मान के माध्यम से हो, हर माध्यम से हर वर्ग का ध्यान रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे तकनीकी तौर पर हमारा देश आगे बढ़े और सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, आज हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि जिस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, इसको पहले नक्सल प्रभावित कहा जाता था, लोग दिन ढलने के बाद निकलने में डरते थे, पर आज जो क्षेत्र नक्सलवाद की वजह से जाना जाता था वो आज मेरे प्रधानमंत्री की सभाओं की वजह से जाना जाता है। ये विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज साथियों, हम बिहारियों के लिए ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जिस सरकार का केंद्र में मजबूती से प्रतिनिधित्व, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो बिहार में इसी एनडीए सरकार का मजबूती से नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, और अब दो दो मजबूत घटक दल हम लोग के साथ और जुड़े हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। आज पांच दलों का ये मजबूत गठबंधन हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता है कि बिहार की 40 सीटें हम लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे, जिसमें से एक सीट हमारे जमुई की भी है। आज मेरे प्रधानमंत्री यहाँ पर हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आप सबसे पुनः आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद अरुण भारती जी को मिला है, आप सब भी 19 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप देखे ना, प्रधानमंत्री जी आए अभी हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर छाप पर मोहर लगाकर अरुण भारती जी को विजयी बनाना है, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर आने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि इस जनसभा की रैली को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जमुई की पावन धरती पर मैं एक मतदाता होने के हैसियत से भी इस देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जमुई की इस पावन धरती पर स्वागत करने का काम करता हूं। आज इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन और बिहार के जिन्होंने विकास करने का काम किया आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित उपेंद्र कुशवाहा जी, विजय सिन्हा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आए हैं साथियों, और बिहार में चुनाव की शुरुआत किया है इन्होंने आज। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में
ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया 2014 में 2019 में उसका 99% काम पूरा करने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की रक्षा किया, देश का महान सम्मान बढ़ाने का काम किया और गरीबों का कल्याण करने का काम किया। आज गरीबों को 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी जब से डबल इंजन की सरकार बनी साथियों, देश में जिस तरह गारंटी थी कि 5 किलो अनाज सभी गरीबों को मिलेगा, उसी तरह बिहार में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 लाख तक का इलाज भी, मुफ्त इलाज उन सभी साथियों को देने का काम किया जाएगा। इसलिए गरीबों के कल्याण की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और लगातार ये जो गारंटी शब्द आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश में भ्रष्टाचारी लगातार चिंतित रहते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने का आहट होता है तब तब भ्रष्टाचारी सचेत होते हैं और सब लोग एक होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश में मोदी सरकार जब तक है, इस देश में भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह आज बिहार में जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री जी, तो बिहार में भी अब कानून के राज को और ताकत देने का काम किया गया और अपराधी जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है उनको भी तय किया गया है, या तो जेल के अंदर रहना पड़ेगा नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। इसलिए आज जम्मू की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा बिहार एनडीए आपके साथ खड़ा है। और पिछली बार एक सीट हम लोगों से छूट गया था, हम लोग 40 की 40 सीट देकर आपको फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जमुई वासियों की ओर से दोनों हाथ जोड़कर परम आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार का कुशल नेतृत्व कर रहे आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, सुमित कुमार सिंह जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री अरुण भारती जी, एनडीए के सभी दलों के जिलाध्यक्ष, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया तो इतना ज्यादा काम किया है, एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को
जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब जानते हैं हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किए, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई, आज कितना बढ़िया से काम किए याद कर न लीजिए, कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था पांच में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब छह से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला, अब बिहार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं, अब कैसा हो गया। तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और पांच के बाद हम ही लोगों ने काम किया है, इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, ताज झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब 7 दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए, आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब सामने ही ना देख रहे हैं जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए, ये कब बना, एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का आप कितना ज्यादा होता था, अब आज तक जो करते रहते हैं, आप पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत, सब तरह से काम किया। पहले ना बच्चा पढ़ता था, ना बच्ची तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। अब पहले स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी जी, कितना होता था, इतना कम। और हम लोगों ने जब शुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया, तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है। तो इसीलिए तो हर तरह से, तो हम लोग शुरू से ही 5 में आए तो पहला साल 10 तक, उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे हैं ये काम। आप फिर जरा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत कितना कितना बड़ा हुआ, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली शौचालय, और ये भी कर दिया कि जो टोला है उस टोलों से ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ने का भी काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 में भी सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी 8 लाख के करीब करवाया, अब इस बार जो हम लोग कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी होगी। अब सोच लीजिए 4 हो गया है, 1 और तुरंत होने वाला है, 3 का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार की बात थी, आज भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं, और हम लोग तो शुरू से ही न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं।
अब कितना ज्यादा उत्थान हो गया, अब भारी संख्या में लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, अब कितना हम लोग काम कर दिए। जब पहली बार मौका मिला, जब चुनाव हुआ, तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को 50% पंचायतों में और साथ में नगर निकाय में भी कर दिया, तो कितनी बड़ी संख्या में, और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंतजाम कर दिया, हर तरह से सब काम कर दिया, तो एक एक तरह से। और जो हम लोग स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में थे और उस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में और महिलाएं, हाँ, बिहार में बहुत कम थी, तो जब हम लोग जैसे ही आए 6 में ही हमने का ले करके शुरू करा दिया, और अब उसका नाम दे दिया जीविका। और उस समय की जो सरकार थी वो लोग भी आए, कहे भाई बड़ा अच्छा आप काम किए, और नाम दे दिया देश भर में आज जीविका, मतलब बिहार में जीविका और देश में आजीविका, यही से काम शुरू कराया। और आपको मालूम है 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गया है, और 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका दीदियों के साथ जुड़ गई। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, और हम लोग तो आपके लिए सब काम किए हैं चारों तरफ, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का कायम रखिएगा। और हम लोग सब दिन हैं, और 4,000 सीट, ये सीट भी, और पूरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाइए। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा, तो यही हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए अब सब कुछ बात हो गया, तो एक एक तरह से काम, हर तरह से अब कितना ज्यादा, चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है, और सबके लिए हम आपको, आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिलकर के यहां की सेवा करते रहेंगे, और आप जरूर 400 से भी ज्यादा वोट से जीत करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होइएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बताबा, हैं, हाथ उठा के बोलो कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है यहां पर, बोलो तू हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो नीतीश कुमार जिंदाबाद। मेरी विनम्र आग्रह है कि साथियों शांति बनाए रखिए, कुछ क्षण में आप जिनका बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच में आएंगे। अयम निज परो वेति गणनाय लघु चेतसम, उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परिभाषित करने वाले विकासशील पुरुष आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। गिद्धौर दुर्गा माई, बाबा धनेश्वर नाथ के ये पवित्र भूमि के नमन कर ही है। भगवान महावीर के ये ज्ञान भूमि पर अपने सबके अभिनंदन कर ही है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव
और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस तरफ देख रहा हूं, पूरा हुजूम का हुजूम अभी आ रहा है। अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज। आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहारवासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार साथियों, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है, लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन
बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे, इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए हैं जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। आप याद करिए, 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है, भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बड़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत जब G20 की मीटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है। ये किसने किया? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संभव हुआ है, और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है तो आप मेरे प्यारे देशवासी हैं।
साथियों, आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे, जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्त भोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो लोग नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए थे, उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है, उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया है। अब इस इलाके से एक्सप्रेसवे निकलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। अब जमुई के एक और देवघर से हवाई जहाज की सेवाएं शुरू हो गई हैं, तो दूसरी ओर गया एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारी भी चल रही है। इस इलाके में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है। हमारा प्रयास है कि देवघर और गया जी आने वाले लोग यहां भी आकर के जाएं। पूरे बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन सारे प्रयासों से यहां रोजगार और स्वरोजगार, इसके अनेक अवसर बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखनी है। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा का लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भलीभांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी
आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है, मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप मेरे साथ सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और आगे जाना है ना, बहुत आगे बढ़ना है ना, बिहार को भी बढ़ाना है ना, हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है ना। साथियों, ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है, और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार के मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, इसलिए ही मैं कहता हूं, जब नियत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है, हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तय किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। आपको कोविड के समय मुफ्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है, मोदी पशुओं को भी टीका मुफ्त में लगा रहा है। पहले गरीबों का जो पैसा
बीच में ही लूट लिया जाता था, अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है। आज बिहार के 85 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां जमुई में ही किसानों को इस योजना के तहत 850 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, एक गमंडिया गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथियों, ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी बार ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी बार एक गमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। हम नीतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बिहार को गड्ढे और खाई में धकेल दिया था। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने
इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है, चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे? घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है, घर घर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचेगा, ये आपकी गारंटी? तो मेरी गारंटी है विकास की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद। तो अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी का, चिराग पासवान का, नीतीश कुमार का, जितने भी एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता थे सब वहां पर जो है मौजूद थे। सबने क्या क्या कहा आपने सुना, तो इस पर क्या आपका राय विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को तीर्थंकारी महावीर की जन्मस्थली, मां दुर्गा का आंगन, झुमराज बाबा की धरती, वीरों की धरती जमुई पर स्वागत करती हूं। जमुई के वासियों से आग्रह करती हूं कि एक बार जोर से
जय जय श्री राम। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जमुई की बेटी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते जमुई की इस पावन धरती पर उनका स्वागत करती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी भाई अरुण भारती जी एवं लोन जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देकर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं आदरणीय बड़े भाई राज्यसभा सांसद शंभू शरण जी को मिथिला की पेंटिंग देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, मैं आमंत्रित करती हूं बहन धर्मशीला गुप्ता जी को कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिथिला का पेंटिंग देकर सम्मानित करने का काम किए करें। मैं आमंत्रित करती हूं लोजपा रामविलास की महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती संगीता पासवान जी को और भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती कंचन देवी जी को कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करने। साथियों, खेल का जगत हो या विज्ञान का जगत हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ब्यूटी विश्व कुशवाहा जी को जो जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष मुंगेर है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देकर सम्मानित करने का काम करे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार सभी युवा साथी युवती बहन साथ में बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी महिलाओं को बोलती हूँ एक बार बोलिए मोदी जी को जय श्री राम। सभी भाइयों को बोलती हूँ एक बार बोलिए नीतीश जी को जय श्री राम। सम्राट जी को जय श्री राम। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वंदे। अब आपके बीच इस धरती की बेटी, भारत की बेटी और जमुई की विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रही हैं। साथियों, मैं आदरणीय चिराग पासवान जी जमुई के सांसद